सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, सरकार के एजेंडे को बहुत साफ तौर पर रखा है, एक आदर्श भारत की कल्पना राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए हुई है। आदर्श भारत का मतलब है हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, हिमालय का संरक्षण, अविरल स्वच्छ गंगा, स्वावलंबी भारत, सेना सैनिकों की तरफ ध्यान, गांव शहर के बीच खाई पाट दी जाएगी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, खेती और किसानी पर जोर होगा, न्यायपालिका में सुधार होगा, जल सुरक्षा यानी जल साफ पीने का पानी मिले इस दिशा में बात होगी, नई स्वास्थ्य नीति भी बनाई जाएगी, हर घर में शौचालय जरूर होना चाहिए, जनजातियों को मुख्यधारा से जोड़ने की बात कही गई है, महिला सुरक्षा का सवाल उठाया गया है, युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात है, और जो रोजगार दफ्तर आज की तारीख में नजर आते हैं जहां पर तकरीबन 1,20,00,000 नाम आज भी दर्ज है, उसे कैरियर सेंटर में बदल दिया जाएगा, टैक्स नियम मिडिल क्लास के लिए सुधार दिए जाएंगे, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर पूरे देश में नेटवर्किंग जोड़ दी जाएगी, छोटे शहरों से हवाई अड्डे भी अब जुड़ जाएंगे, देश में 100 ऐसे शहर बना दिए जाएंगे जहां 2400 घंटे बिजली आएगी, पीने का पानी होगा, पक्का घर होगा, ये सारी परिकल्पना की गई है एक आदर्श भारत के मद्देनज़र। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए लोकपाल जरूर होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस परिकल्पना के साथ संघ परिवार जीते आया है कि किसी देश को ख़त्म करना है तो वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों को ख़त्म कर दीजिए, बहुत जोर दिया गया है सांस्कृतिक धरोहर को संभालने को लेकर, और साथ ही इस बात का जिक्र किया गया है कि जो परंपराएं भारत में रही हैं उन्हें कैसे पुनर्जीवित किया जाए। इस भाषण के मर्म में दरअसल उस आदर्श भारत की खोज है जो बीते दौर विकास की चकाचौंध में गायब हो गया, बाजार में भारत तब्दील हो गया, लेकिन इसमें हाशिए पर पड़े तबके का जिक्र है, गरीब गुरबों की बात है, पिछड़े समाज की जिक्र है, और इन सब के बीच आदिवासी हो, ग्रामीण हो, उन सभी का जिक्र है। कमोवेश हर मंत्रालय की तरफ से जो जिस काम को किया जाना है उसको बकायदा कह सकते हैं कि उनके सामने जो एजेंडा रखा गया है या जो चुनौती उनके सामने, हर मंत्रालय के सामने उनकी तरफ से जिन जिन बातों का जिक्र किया गया वो सभी नत्थी थे, और उस नत्थी किए हुए भाषण को राष्ट्रपति ने मेरी सरकार जो करेगी उसका जिक्र करते हुए एक आदर्श भारत की कल्पना की गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में खासतौर से जो माना यह जाता है कि सरकार के एजेंडे में दो तीन चीज़ें थी, उसमें गंगा बड़ा महत्वपूर्ण था, कश्मीरी पंडितों की वापसी बहुत जिक्र था, काले धन को लेकर बहुत तेजी से काम निपटाना है, विदेशी सरकारों से आप मदद लेंगे उस दिशा में आगे बढ़ेंगे किस रूप में, इसका जिक्र था, और इन सब के साथ ही जो सरकार के सामने महत्वपूर्ण एजेंडे के तौर पर जो दो तीन चीज़ें जिसका जिक्र की कल्पना की जा रही थी उसका जिक्र नहीं था, पाकिस्तान का जिक्र कहीं नहीं था, विदेशियों के साथ या विदेश दुनिया के तमाम देशों के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से साथ जुड़ा हो और आतंकवाद के वातावरण में विकास संभव नहीं है, इस बात का जिक्र किया गया। लेकिन कमोवेश इस बात को लेकर, खास तौर से सेना और सैनिकों को लेकर इस बात का जिक्र जरूर हुआ कि सेना का आधुनिकीकरण होना चाहिए, सैनिकों की तमाम सुविधाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन आतंकवाद और उसमें दूसरा हिस्सा था सांप्रदायिकता की जो हिंसा होती है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, माओवाद या नक्सलवाद उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तस्वीर वही है जो तस्वीर 10:30 बजे राष्ट्रपति भवन से निकलकर पार्लियामेंट हाउस तक पहुंची थी, संसद तक पहुंची थी, और सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति का अभिभाषण अब खत्म हुआ तो फिर उसी तरीके से उसी पारंपरिक स्थिति में राष्ट्रपति की यहां से विदाई होगी। राष्ट्रपति जब आए थे उनकी लिमोज़िन गाड़ी लग चुकी है पोर्टिको में, राष्ट्रपति यहां से वापस रवाना होंगे और जो काफिला यहां से संसद भवन से निकल कर राष्ट्रपति भवन तक जाएगा तकरीबन वही अब आज्ञा ली गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। शुरुआत याद कीजिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब और लोकसभा के स्पीकर सुमित्रा महाजन, संसदीय मंत्री वेंकैया नायडू, ये चार लोगों की मौजूदगी उस वक्त भी थी, इस वक्त भी है जो विदाई हो रही है अब राष्ट्रपति की संसद के परिसर से। और ठीक उसी तरीके से जिस लिहाज से राष्ट्रपति आए थे, काफिला वही बग्गी में आना चाहते थे लेकिन सुझाव दिया गया बग्गी में ना जाएं, उसमें दो वजह बताई गई, एक सुरक्षा और दूसरी गर्मी।
हालांकि बग्घी को चमकाया गया था बीते दिनों, जो जानकारी आई और जब बकायदा ट्रायल हुए थे कि किस रूप में राष्ट्रपति भवन तक पहुंचेंगे, राष्ट्रपति भवन से संसद भवन तक पहुंचेंगे राष्ट्रपति, उसमें बग्घी के जरिए ट्रायल लिया गया था। और लेकिन राष्ट्रपति लवजन गाड़ी से आए और अब वो रवानगी यहाँ से हो चली है। तो हर वो नज़र, हर वो दृष्टि जो राष्ट्रपति के इस अभिभाषण के जरिए चुकी, अब आने वाले वक्त में चर्चा होगी संसद के दोनों सदनों में और इस बात को लेकर वोट ऑफ थैंक्स जिसे कहा जाता है उसमें चर्चाएं होंगी। हर पार्टी के हर नुमाइंदे को वक्त दिया जाएगा जो अपनी बात को रख सके राष्ट्रपति के अभिभाषण को। ये हम बता दें खास तौर से एक ऐसी चीज है जिसका जिक्र 2009 में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के जरिए किया गया था कि 100 दिन में हम महिला आरक्षण ले आएंगे। ये 2009 का वाकया था। इस बार कोई दिन तो तय नहीं किए गए लेकिन 33% आरक्षण लागू कराएंगे, इसका जिक्र यहां पर जरूर किया गया। पिछली बार जब 2009 में अभिभाषण जिस बात का जिक्र किया गया तो उसमें तीन चीजों पर खास तौर से जिक्र था, आंतरिक सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव और इसके अलावे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी का जिक्र इस बार किया गया। लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव की जगह जो शब्द इस्तेमाल किया गया उसमें सांप्रदायिक हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जीरो टॉलरेंस का जिक्र किया गया, इंटरनल सिक्योरिटी से जोड़ा गया, आतंकवाद भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस बात का जिक्र किया गया। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हैं, हमारे साथ राजनीतिक दलों के नेता भी जुड़ जाएंगे। नलिनी सिंह जी, अभिभाषण को सुनकर क्या लगा? पहले तो ये लगा पुण्य प्रसून कि यकीन किया जा सकता है जो कहा गया, वो लगता है कि उस वो ये करके दिखाएंगे। दूसरा वजह क्या लगती है? वजह ये लगा कि बहुत ही जिसे कहेंगे स्पष्ट और सिंपल, लच्छेदार भाषा नहीं, कहा कि ये करेंगे, ये होना चाहिए तो मैंने कम सुना, मैंने ये सुना कि करेंगे। दूसरी चीज़ मुझे जो नज़र आई, जो फ़र्क होता है एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक बुलेट ट्रेन में, आप कह दें कि जी एक नई एक्सप्रेस गाड़ी चलेगी, दूसरा आप कह देंगे आप बुलेट ट्रेन चलेंगे, मैं एक मुहावरे की तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ, ऐसा लगा कि गति, ऊर्जा, तेज़ी इसके अंदर अब भारत के जो विकास है या भारत का जो भी सौहार्द है, जो भी चीज़ें जो एक जिस पे काई जम गई थी, वो चीज़ें अब उस काई को हटाना है तेज़ी से और एक बिल्कुल एक नए विश्वास के साथ आगे जाना है। और विश्वास घिसा पिटा शब्द नहीं, अब इन्होंने कह दिया है कि हम अगर ऊर्जा है तो इन्होंने कितना ज़्यादा आप एम्फोसिस दिया है कि ये केंद्रित रहे पानी पर, एक एक बूंद पानी, हिमालय, अविरल गंगा, पर्यावरण, तो एक तो ये हो गया। दूसरा जब इन्होंने विकास कहा तो आधुनिक, यानी कि जैसे कहें कि पहले हम हाईवे की बात करते हैं कि हाईवे होने चाहिए, इन्होंने ईवे की बात कर दी। मुझे लगा कि जो आईटी सेक्टर है उसको केवल एक नाम नहीं समझ करके इन्होंने अपने आईटी यानी कि फाइबर ऑप्टिक में देश के जो खून का संचालन होगा वो ये उस गति तक ले जाना चाहते हैं। ये आईटी सेक्टर की ओर भी आपको फाइबर ऑप्टिक का भी बता रहे हैं। साथ में जैसे अब आप देख रहे हैं कितने ये खूबसूरत दृश्य हैं कि हमारी जो परंपरा है उसको रखते हुए देश किसी और आयाम तक जाने वाला है, यूँ लगा मुझे। तो अगली स्थिति आती है, आलोक मेहता जी हमारे साथ चूँकि राजनीतिक दलों के नेता भी जुड़ रहे हैं, लेकिन आपसे एक सवाल, मुहावरों में पहली बार उन्हीं मुहावरों का इस्तेमाल खुले तौर पर किया गया जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर कर रहे थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, हर हाथ को हुनर, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, बेटी बचाओ बेटी पाओ, यहां पर 5 मुहावरे दिए गए। एक जानकारी हम खाली बता दें, 2009 में 16 मुहावरे दिए गए थे जिस वक्त मनमोहन सिंह सरकार थी। स्थिति यह है कि इस पूरे उसमें एक ऐसे आदर्श भारत की कल्पना की गई है जो हो जाए तो अद्भुत हो जाएगा। यह अद्भुत कागजों में नजर आ रहा है या आपको लगता है कोई भरोसा, विश्वास, उम्मीद जगाई जा सकती है? प्रसून जी, पहली बात तो ये कि जैसा आपने कहा कि जो चुनावी भाषणों में था, इसलिए राष्ट्रपति जो भाषण पढ़ते हैं उस सरकार का होता है, तो कहते हैं मेरी सरकार। मुझे लगता है कि यदि हम उसको यदि सरल ढंग से अपने दर्शकों से जो बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार कहें, इसमें कोट अनकोट जो आपने कहा ना, जिस तरह से उन्होंने मुहावरों का इस्तेमाल किया, जो मोदी जी का भाषण है, ये राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, मतलब वो पढ़ने वाले राष्ट्रपति हैं, लेकिन मोदी जी ने जो वायदे किए उसी को ही इस भाषण में परिलक्षित हो रहा है जी। इसमें मंत्रालयों का भी जिक्र है और जैसा कहा दलजी, मैं इससे तो सहमत हूँ कि गांव से लेकर महानगर तक के जो सपने दिखाए गए हैं
उन्हें संसद के सदन पर राष्ट्रपति के मुंह से कहलाने का मतलब है कि उन्हें गंभीरता से पालन करने का वायदा देश और दुनिया के सामने किया गया है। लेकिन एक बात सच है, इतना मानना होगा जो आप कह रहे हैं, सारे सपने साकार वैसे भी वो 60 बहने कह गए हैं, और कुछ बातें ये भी स्वीकार करनी होगी। ये ठीक है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना का, ग्रामीण रोजगार योजना की बात नाम न लिया गया हो, लेकिन रोजगार देने की बात हो या ई गवर्नेंस की बात हो, ये पिछले वर्षों में जो हुई, हम उसको चाहे सेम पेट्रोदा इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये अगले एक साल का, पिछले साल ये घोषणा की गई थी कि ये एक साल में पूरा हो जाएगा, तो ये अच्छी बात भी है। पहली सरकार जो काम अधूरा छोड़ गई है उसे देश के विकास और प्रगति के लिए आगे ले जाने का संकल्प ये सरकार भी कर रही है। लेकिन दूसरी बात आपने बहुत अच्छी ध्यान दिलाई, जिसमें ये कहा गया है कि सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र है, सांप्रदायिक सद्भावना जैसे शब्दों का उस परहेज जैसे चुनावी सभाओं में किया जाता था, कोई सद्भावना नहीं, आतंक को निपटना है, दंगे शब्द आप ध्यान दीजिए, सांप्रदायिक हिंसा के आगे राइट्स, मतलब दंगे शब्द का इस्तेमाल किया गया, दंगों को रोका जाएगा, मतलब जो शंका लोग करते हैं कि भाई कहीं दंगे तो नहीं भड़केंगे, उनको कड़ाई, जबकि राज्य सरकार का विषय है, बहुत आसान चीज नहीं, उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख रहे हैं कितनी तनावपूर्ण रहती है, रही है। ऐसी स्थिति में दंगों को रोकने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर भी लेना, माओवादियों से निपटना, और पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, चीन का जिक्र किया, जापान का जिक्र किया, अमेरिका का किया, तो पाकिस्तान से वो दूरी, चाहे नवाज शरीफ आ गए हैं अभी, उस बारे में राष्ट्रपति अभिभाषण में पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों की बात बहुत अनिवार्य है ही, लेकिन उसके साथ बहुत संभल कर बहुत तरीके से इस भाषण को तैयार किया गया है, और सपने बड़े दिखाए गए हैं, पूरा करने के लिए बहुत अभी बहुत कुछ इंतजार तो करना होगा। सपने को हकीकत में बदलने के लिए जो कार्यप्रणाली चाहिए, अगर राष्ट्रपति के अभिभाषणों का हम जिक्र करें तो चाहे वो 1999 2009, इन तमाम अभिभाषणों के कागज पे लिखे शब्द बताते हैं कि इन्हें पूरा नहीं किया गया, इन्हें भाषण 2014 को लेकर एक आस है, क्योंकि जनादेश इतना बड़ा है। रामेश्वर चौरसिया जी, जनादेश इतना बड़ा तो नहीं कहें, लेकिन इस स्थिति में सरकार को लाकर खड़ा जरूर कर गया है कि आप में ताकत है और अब आप लागू करा सकते हैं, किसी तरीके की कोई परिस्थिति आपके साथ ऐसी नहीं है कि आप कहें ये हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो शायद जिस आदर्श भारत की कल्पना इस पूरे अभिभाषण के दौरान रखी गई है, खुद आपको ये कैसा लगा और क्या लगता है कि वाकई वक्त कम है, काम ज्यादा है? प्रसून जी, एक बात बता दूं, आपने जो कहा ये सच, मामले में जनादेश इसलिए बड़ा है, स्वाभाविक है, मेजोरिटी बीजेपी को सिंपल ही है कि पिछले 30 सालों में ऐसा लग रहा था कि सिर्फ गठबंधन की ही सरकारें चलेंगी, लेकिन उस हिसाब से माने तो जनादेश बड़ा है। अब सही बात है कि हम पूरी मेजोरिटी में हैं, बहाने का कोई स्कोप भी नहीं है, और जो मैं देख रहा था 11 बजे से हर चीज पर जिस तरह से बातें हो रही थी, नलिनी जी ने जो बताया सही बात है, हम करेंगे, हम देखेंगे, ये शब्द नहीं थे। ये सच बात है कि नरेंद्र भाई जी का जो स्टाइल है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, गुजरात में रहते हुए एक रेखा खींचते हैं, इतने दिन में उसको पूरा करना है, तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो एजेंडा पेश किया है वो ध्यान में रख करके किया होगा कि 5 साल में हमें ये पूरा करना है। आलोक मेहता जी सही बता रहे थे, राष्ट्रपति भाषण पढ़ते हैं बात, ये शब्द तो सरकार के होते हैं, सरकार ही तैयार करती, क्योंकि काम तो सरकार को करना है। तो मुझे लगता है कि जितनी भी चीजें अब आप दिखाई रहे, मैं उसको एक एक नहीं पढ़ूंगा, जितनी चीजें और जितनी आशंकाएं थी, देखिए बहुत दिनों से चल रहा है, क्यों नहीं हर प्रदेश में एक IIT होना चाहिए, एम्स होना चाहिए। आप देखें एम्स की यहाँ क्या हालत है, हर प्रदेश से गरीब लोग आते हैं और उसके काम पूरे होने चाहिए। मुझे याद है कि पटना का एम्स पिछले 12 साल से बन रहा है, लेकिन आज तक वो खड़ा नहीं हो पाया, पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया। तो विकास के जो लक्ष्य है उसको समयबद्ध करने की जो नीति सरकार ने दी है, बड़े बड़े घोषणाएं नहीं है, नीति कहा जाता है कि आप सपने बड़े रखें और लक्ष्य भी बड़ा रखें। जैसे ब्लैक मनी का सवाल है, अब ब्लैक मनी के लिए कोई 10-20 साल नहीं चाहिए, अगर सही मामले में सरकार पहल करेगी या बाकी देशों से बात करेगी तो ये 1-2 साल का भी विषय है, 1-2 साल में भी इस पर कार्रवाई हो और आपको दिखेगा इसका अंजाम। हाँ, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जो हम कहते रहे बुलेट ट्रेन चलाएंगे, इस फ्रेट कॉरिडोर की बात बहुत दिनों से चल रही है, जिस तरह से आपने देखा कि आतंकवाद की जो चीजें हैं, सच मामले में कि विकास तभी हर इलाके में संभव होगा जब आतंकवाद और उग्रवाद को काबू किया जाएगा। और हमने देखा इसमें दोनों पर जोर है, नॉर्थ ईस्ट में भी शांति बहाली पर जोर है
और उसका एक मतलब होता है कि आतंकवाद और उग्रवाद जिन एरिया में है, देखिए मैं उसी इलाके से आता हूं, वहां सबसे बड़ी समस्या क्या होती है डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट में बाधा पैदा होता है एक एक्सटॉर्शन का। हम जरा सा वक्त दीजिए, हम इस पे लौट रहे चुकी लगातार हम लोग दिखा रहे थे दोस्त, आपने जो सवाल खड़े किए हैं और जो अभिभाषण है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण पहली बार यह नजर आ रहा है शहर और गांव की खाई पाटी जाएगी, यानी इसका जिक्र किया गया है पहली बार। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, खाई तभी पाटी जा सकती है जब इस देश के भीतर गांव को पुनर्जीवित करने का सवाल हो, जो नहीं है। और आखिरी बार मोरारजी देसाई ने इस बात का जिक्र किया था कि गांव को पुनर्जीवित किया जाना है, उसके बाद इस देश में जो हवा बही उसमें शहर दर शहर उसके विकास चकाचौंध में पूरा देश खो गया है।